हरियाणा के नूह से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहां अवैध खनन माफिया ने एक पुलिस अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता ने घटना में कड़ी निंदा की है। हरियाणा में अवैध माइनिंग का धंधा बढ़ता जा रहा है। अवैध माइनिंग करने वाले तो हौसले यहाँ तक बढ़ गए कि DSP के ऊपर अब बम्पर चढ़ाने लगे। बहुत खींच का विषय है, इस घटना की मैं निंदा भी करता हूँ, परंतु हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूँ। 2018 में CAG ने रिपोर्ट दी थी कि 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, जो माइनिंग का पैसा माइनिंग में जमा नहीं हुआ। जितने हरियाणा के अंदर टेंडर निकलते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार के टेंडर हो चाहे वो हरियाणा सरकार के टेंडर, माइनिंग का पैसा अलग से जमा होना चाहिए। आज 50,000 करोड़ रुपये कम से कम मुख्यमंत्री कार्यालय या मंत्रियों के कार्यालय के निर्देश पे हरियाणा सरकार के चुराए जा रहे हैं। जो पैसा हरियाणा सरकार के राजस्व के अंदर जमा होना चाहिए था, वो ठेकेदार और लीडर मिलके खा रहे हैं। क्यों नहीं हरियाणा सरकार उनके ऊपर कार्रवाई करती? क्यों इतना गुंडाराज बढ़ता जा रहा है कि DSP के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया जाता है? आज विधायकों को धमकियां मिलती है, जो सरकार अपने विधायकों को सुरक्षित नहीं रख सकती वो हरियाणा की जनता को कैसे सुरक्षित रखे? मौके पर ही मौत हो गई है DSP की। बहुत कड़े शब्दों में मैं निंदा करता हूं और जल्द से जल्द दोषियों को गिरफ्तार करना चाहिए और माइनिंग की सारी रकम वसूल करके हरियाणा सरकार के अंदर जब